1664 के धूमकेतु ने पूरे यूरोप को डरा दिया और ये डर वाजिब भी मालूम हुआ क्योंकि ठीक इसी के बाद प्लेग फैला और लंदन में जबरदस्त आग लगी। मगर एक बच्चे को धूमकेतु से जरा भी डर नहीं लगा। उसे तो ये बड़ा मजेदार नजारा लगा। हम सब की तरह एडमंड हैली को भी नई चीजों में दिलचस्पी थी। वो किस्मत वाले थे कि उनके पिता ने उनकी दिलचस्पी को और आगे बढ़ाया और उन्हें बेहतरीन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स खरीद कर दिए। यहाँ तक कि दक्षिणी गोलार्ध जाकर तारों का पहला नक्शा बनाने के लिए उन्हें पैसे भी दिए। हैली ने 20 साल की उम्र में ऑक्सफोर्ड छोड़ दिया और जहाज के रास्ते अफ्रीका के पश्चिमी तट के पास भूमध्य रेखा के निचले हिस्से में सेंट हेलेना नाम के टापू पर पहुंच गए। मुश्किल ये हुई कि किसी ने हैली को बताया ही नहीं था कि सेंट हेलेना का मौसम आम तौर पर खराब ही रहता है। पूरा नक्शा बनाने लायक दक्षिणी गोलार्ध के तारे देखने में उन्हें पूरे 12 महीने लग गए। पुराने ग्रीक नायकों और देवताओं के साथ अब नई दुनिया के प्रतीकों को भी आसमान में जगह मिल गई, जैसे कि टूकैन, कंपस और बर्ड ऑफ पैराडाइज। जब हैली दक्षिणी गोलार्ध के आसमान का नक्शा लेकर वापस लौटे तो एक सनसनी फैल गई। अब कारोबारी और खोजबीन करने वाले तारों की मदद से दुनिया में कहीं भी रास्ता ढूंढ सकते थे। उन दिनों रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन से मंजूरी मिलने के बाद ही वैज्ञानिक खोजों को सही माना जाता था। उसका आदर्श वाक्य था न्यूलियस इन वर्बा। ये वाक्य वैज्ञानिक तरीके का निचोड़ है। लैटिन में इसका मतलब होता है खुद देखो तो मानो। दूसरे शब्दों में सवाल उठाते रहो। यहां लोग आते थे ताजा खबरों के लिए, नई चीजों की शुरुआत और बहस में भाग लेने के लिए। वर्गों में बंटे उस समाज में भी ये कॉफी हाउस सबको बराबरी का दर्जा देते थे। कॉफी की तेज बहक वाले ऐसे ही माहौल में हैली और हुक ने क्रिस्टोफर रेन से मुलाकात करके गहरे राज पर बात की। ग्रहों के इस तरह घूमने की वजह क्या है? एस्ट्रोनॉमर योहानस केपलर ने इसके 80 साल पहले यह दिखाया था कि सूर्य के चारों ओर ये गोल नहीं बल्कि अंडाकार रास्ते पर घूमते हैं। जो ग्रह सूर्य के जितना नजदीक है उसके घूमने की रफ्तार भी उतनी तेज है। क्यों? क्या सूर्य की ऐसी कोई नजर ना आने वाली ताकत है जिससे उनकी रफ्तार बदलती है? अगर हां तो वो काम कैसे करती है?